6 students. Open page number 54, that is chapter number 6, The Day the Visiri Came. So it's a story about a boy whose name is Gopal, who is unaware the importance of his role for the event. So let's read about it. In the first para, what it says that that morning Gopal's mother took out from a wooden box. उसकी मदर, गोपाल की जो मदर थी, वो एक वुडन बॉक्स निकालती हैं. उसमें से क्या निकालती हैं? अ लिटिल ब्राउन कोट. क्या निकालती हैं? अ लिटिल ब्राउन कोट विद ब्रास बटन, ब्रास बटन से लगे हुए, एंड येलो पाइपिंग लगी हुई होती है. देन उसके बाद एंड पुट इट ऑन हिम, वो उस पर लगा कर देखती हैं. दिस हैपेंड ओनली ऑन ग्रेट ओकेशन. ये कब होता है? जब कब पहनता है? ओनली ऑन द ग्रेट ओकेशन. द स्मेल ऑफ द कैंपर एंटीक वुड लिफ्टेड हिज स्पिरिट्स. जो स्मेल होती है, टीक वुड लिफ्टेड अपन स्पिरिट्स जैसी लगती है. ऐसा लगता है जैसे उसके पापा ने पहन रखा हो. ठीक है. ही थॉट एंड दैट गेव हिम एन इमेंस सेंस ऑफ इम्पॉर्टेंस. वो क्या सोचता है? उस कोट को पहन के ऐसा लगता है दैट ही हैज़ एन इमेंस सेंस ऑफ इम्पॉर्टेंस. ही पिक्ड अप हिज स्लेट एंड प्राउडली स्ट्रोड आउट द हाउस. वो प्राउडली घर से बाहर निकलता है. देन एट स्कूल ही ज्वाइन द अदर चिल्ड्रन. स्कूल में जाके वो दूसरे जो बच्चे होते हैं उनको ज्वाइन करता है विद जॉय, बहुत खुशी के साथ, विद देयर ओन संडेज बेस्ट. ठीक है. द विजरी ऑफ इंडिया वॉज पासिंग थ्रू द स्मॉल टाउन. द विजरी ऑफ इंडिया वो कहाँ से पास हो रही थी? थ्रू अ स्मॉल टाउन, छोटे गाँव से. ही वॉज गेटिंग डाउन एट द रेलवे स्टेशन. वो रेलवे स्टेशन पर उतरता है विद हिज स्पाउस एंड इमीजिएटली गेटिंग इन टू एन एलेबोरेटली डेकोरेटेड कोच. कहाँ जाता है? एलेबोरेटेड डेकोरेटिव कोच में जाता है. वेल ग्रूम्ड हॉर्सेज एंड ड्राइविंग स्ट्रेट टू द रेसिडेंसी. वहाँ जाता है रेसिडेंसी में. देन फ्रॉम देयर लेस कंस्पिशियसली का मीनिंग होता है इन अ क्लियर विजिबल वे. ठीक है. इन अ सेडान कार ही वॉज एस्केपिंग टू द हिल फॉर द स्टेशन. कहाँ जाता है? हिल फॉर द स्टेशन में. Then in the for the summer, circular had gone to the school, to all school. Then month in advance, ये कहाँ जाता है? कहाँ पहुँचती है? स्कूल में बात फैलती है पूरे स्कूल में. मंथ इन एडवांस इंस्ट्रक्टिंग द अथॉरिटीज़. अथॉरिटीज़ को इंस्ट्रक्ट करते हैं, बताते हैं दैट ऑल द चिल्ड्रन शुड प्रेजेंटली ड्रेस्ड अप, प्रॉपरली ड्रेस्ड अप होने चाहिए. एरेड ऑन ईदर साइड ऑफ एक्सीलेंसी रूटीन. बोलने का तरीका, बात करने का तरीका एक्सीलेंट होना चाहिए बच्चों को. ऑन हिज अराइवल टू चेयर एंड वेलकम हिम अप्रॉक्सीमेटली. देन द हेड मास्टर एंड टीचर्स. जो हेड मास्टर होता है और जो टीचर्स होते हैं वहाँ के, वर इन अ स्टेट ऑफ नर्वसनेस. वो नर्वसनेस में बह रहे होते हैं कि वो उनको काफ़ी नर्वस होते हैं. देन फॉर फियर दैट समथिंग माइट गो रॉन्ग. उनको क्या डर लगता है? कहीं कुछ गलत ना हो जाए. ऑन दैट डे एंड देयर इंस्टीट्यूशन बिट्रे अ lack of loyalty in any respect. Special drill classes had been arranged an intensive and fatiguing training. Fatiguing का meaning होता है trying. वो वहाँ पर try कर रहा होता है. Training that had been given to the children, जो कि बच्चों को दी जा रही होती है to participate in the great event, वहाँ पर event को join करने के लिए. Then Gopal of course was quite unaware of the importance. Gopal totally unaware होता है the importance of his role and the duty. He was discharged towards the crown and he was marched to the railway station. कहाँ जाते हैं? रेलवे स्टेशन पर. Along with the other children, दूसरे बच्चों के साथ. He was happy with the little chunk of sweet. वो बहुत खुश होता है विद द लिटिल चंक ऑफ स्वीट डिस्ट्रीब्यूटेड टू सेलिब्रेट द ओकेशन. वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं ओकेशन के लिए. लाइक द फेस्टिवल मूड होता है सबका. देन दैट हैड इन्फेक्टेड टूवर्ड्स इन द स्कूल. इवन द ड्रिल मास्टर वोर अ स्माइल. जो ड्रिल मास्टर होता है उसके फेस पर भी स्माइल होती है. एंड वेंट अबाउट हिज मसल्स रिलैक्स्ड. देन एट द रेलवे स्टेशन द चिल्ड्रन वर लिंक्ड अप ऑन द फुटपाथ अकॉर्डिंग टू देयर sizes. Then वहाँ पर क्या होता है? जो फुटपाथ पर लाइन बनाते हैं बच्चे. देन अकॉर्डिंग टू द साइज, अकॉर्डिंग टू द हाइट्स, द बेटर ड्रेस्ड वंस इन द फ्रंट रो. जो बेटर ड्रेस्ड होते हैं वो कहाँ बैठते हैं? इन द फ्रंट रो. गोपाल वॉज ग्रीडी
विद द एक्सपेक्टेशन एंड सस्पेंस. बहुत ग्रीडी, बहुत एक्साइटेड होता है, डिजी होता है. दैट मीन्स एक्सपेक्टेशंस होती हैं उसकी, सस्पेंस होता है उसके मन में. द ड्रिल मास्टर स्टक अप डाउन द लाइंस. सो इन दिस लाइन एज इफ ही वॉज रिव्यूइंग एन आर्मी परेड. जो वहाँ पे बच्चों ने लाइन लगा रखी थी वो किस तरीके से दिख रही थी, जैसे आर्मी परेड हो रही हो. ही टॉक्ड टू द पीपल विद द एयर ऑफ लर्नस ऑफिसर. लियसन ऑफिसर कौन होते हैं, जो कि टू ऑर्गेनाइजेशन को संभालने वाला एक ऑफिसर जो होता है उसको लियसन ऑफिसर कहते हैं. देन इवन द हेड मास्टर कंसल्टेड हिम एंड टुक हिज एडवाइस ऑन मैनी पॉइंट्स. जो वहाँ का हेड मास्टर होता है वो क्या करता है, उसकी एडवाइस लेता है ऑन मैनी पॉइंट्स, काफ़ी सारे पॉइंट्स पर, कनेक्टेड विद द अरेंजमेंट्स, जो अरेंजमेंट्स से रिलेटेड होते हैं. इवन फ्यू मिनट्स आफ्टर, एवरी फ्यू मिनट्स ही लुक्ड एट द ह्यूज रिस्ट वॉच. वो हर मिनट में कहाँ देखते हैं, रिस्ट वॉच पे देखते हैं, वहाँ पे जो वॉच लगी होती है उसको देखते हैं. देन एंड अनाउंस द एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ अप्रोचिंग द ब्रिजल पार्टी. एक एक इंफॉर्मेशन जो होती है पार्टी की वो वहाँ पर बताते हैं. बट एन आवर पास्ड विदाउट एनीथिंग हैपन. एक घंटा, पूरा आवर निकल जाता है, पूरा घंटा निकल जाता है विदाउट एनीथिंग हैपनिंग, कुछ नहीं होता है. द चिल्ड्रन बिगेन टू गेट रेस्टलेस. वहाँ पे बच्चे थकने लगते हैं. देन कामलेस. कामलेस का मतलब क्या होता है, शाउटेड लाउडली. वहाँ पे हल्ला गुल्ला मचने लगता है फॉर द न्यूज़ ऑफ हिज एक्सीलेंसी. वहाँ पर एक्सीलेंसी मतलब रिजल्ट निकलने वाला होता है. द ड्रिल मास्टर एडमोनिस्ड का मीनिंग होता है स्कोल्डेड, एक्सकोल्ड करना मतलब परेशान करना. द नॉइजी वंस उन लोगों को परेशान करते. दैन शॉन्टर्ड का मीनिंग होता है वॉकड इन स्लो रिलैक्सड मैनर, काफ़ी रिलैक्स मैनर वे में. अवे टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ द डिले. वो बहुत रिलैक्स मैनर में पता करते हैं कि इतने डिलेज क्यों हो रही है. बट एट द टाइम वोर ऑन द सन ग्रू इंकसम. देन थोड़ी देर में सन जो होता है वो डूबने लगता है, जो सूरज होता है वो डूबने लगता है, टाइम निकलने लगता है. द होल असेंबली बिगेन टू ड्रॉप. होल असेंबली बिगेन टू ड्रॉप. ड्रॉप मीन्स टायर्ड, थकने लग गए बच्चे वहाँ पे, ठीक है. द टीचर्स वन बाय वन सॉट द कूल शेड. वहाँ पर जो ट्रीज थे, एवेन्यू स्ट्रीट थे वहाँ की, उसकी शेड के नीचे जाके बैठने लगे. द चिल्ड्रन स्क्वैटर्ड. स्क्वैटर्ड का मीनिंग होता है बेटा सेट विद वन नीज. एक एक पैर मतलब घुटने के बल बैठने लगे. ऑन द ग्राउंड इन द ग्रुप ऑफ ब्लिटेड इन द हीट. वहाँ पर जो कितनी भी हीट हो रही थी, कुछ भी हो रहा था वहाँ पर, फिर भी वो ज़मीन पर बैठने लगे घुटनों के बल. देन एज गोपाल व्यूड हिज कंपेनियन लिंग्विडली. लिंग्विडली का मतलब होता है बेटा लैकिंग वर्चुअल विटैलिटी. दैट मीन्स वहाँ पर जितने भी लोग थे उनको अपने आसपास के जो उसके फ्रेंड्स थे, कंपेनियंस थे, वो उनको थकावट, उनको उसको दिखती है कि वो थक गए हैं. देन एंड वॉज अबाउट टू रिजाइन हिमसेल्फ. एंड वॉज अबाउट टू रिजाइन हिमसेल्फ. देन टू बोर डोम. देन ही फेल्ट अ थिकलेस सेंसेशन इन हिज लेफ्ट लेग. वहाँ पर क्या होता है, उसके लेफ्ट लेग में एक सेंसेशन होती है. ही वॉज स्टार्टलेड टू सी अ बिग ब्लैक एंड क्रॉलिंग अप. वहाँ पर क्या होता है, इतनी देर में वो क्या देखता है, बिग ब्लैक एंड काफ़ी बड़ी चींटी को देखता है क्रॉलिंग अप, चढ़ रही होती है. ही जम्प्ड अबाउट एज इफ ही हैड स्टेप्ड ऑन द लाइफ पोल एंड मैनेज टू शेक इट ऑफ. देन वो अपने पैर को झड़कारता है. इट ग्रेटेड ब्लाइंडली एंड केम टूवर्ड्स हिम अगेन. गोपाल पुश्ड इट अवे विद अ स्मॉल ट्विंग. गोपाल क्या करता है, उस जो बिग एंट होती है वो उसको हल्के से हाथ से झड़का देता है. बट इन रिटर्न ब्रैंडिशिंग इट्स विश्कर्स विद विक्शियस इंटेंट ही बिकेम अनॉयड विद दिस. वो बार बार उसके ऊपर चढ़ रहा होता है ना, बार बार उसके ऊपर चढ़ रहा होता है क्रूअली. विक्शियस मतलब क्रूअल, ठीक है. एंड स्टबॉर्न एब्सटेंटली, दैट मीन्स स्टबॉर्न, बहुत उस पर चढ़ रहा होता है तो वो काफ़ी अनॉय, परेशान हो जाता है उससे. देन फ्लिक्ड इट अवे अ लिटिल मोर सेवेजली. उसको सेवेजली बहुत दूर तक फेंकता है, ठीक है, मेयरलेसली. दैट द एंड लैंडेड फार, बहुत दूर जाके वो गिरता है. अवे एंड रोल्ड इन द डस्ट, डस्ट में जाके. देन गोपाल वॉज प्लीज्ड. ही वेटेड फॉर इट्स नेक्स्ट मूव. वो क्या नेक्स्ट मूव के लिए वेट करता है विद फैक्सिनेशन. द
इट रिकवर्ड इमिजिएटली एंड सीम टू गो मैड विथ फ्रस्ट्रेशन. बहुत देर से उसके ऊपर जब वो छटा होता है बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन उसको छूटती है. दैन इट पिक्ड अप द सैंड एंड मूव टूवर्ड्स हिम लाइक एन एनिमी टैंक इन द बैटल फील्ड. वो क्या करता है, वो वहाँ पर एज अ बैटल फील्ड की तरह उससे लड़ता है. सो एक्सप्रेसिव वॉज इट्स फरी दैट गोपाल हैड अ मोमेंट्री मिसगिविंग अबाउट हिज ओन स्ट्रेंथ. वो अपनी ओन स्ट्रेंथ को उस पर यूज़ करता है. In the space to cope with it, he hurriedly gathered a handful of sand. वो अपने हाथ पर sand उठाता है and emptied it on the charging and वो उसके ऊपर फेंक देता है ant के ऊपर. Then it came out of the temporary burrow vastly puzzled by a Gopal new tackles. फिर वो दोबारा से मिट्टी में से बाहर निकल आता है. Then Gopal felt a mixture of triumph and compassion. Compassion का meaning होता है बेटा sympathetically pity. उसको दया आने लगती है. He gently picked up the bewildered ant on the twig. Bewildered meaning होता है that is confused. वो बहुत confused हो जाता है. Then ant on the twig. It clung to it and remained still and as if admitting defeat. Then वो उसके बाद में confused हो जाता है. फिर वो अपने हाथ पर उसको उठा लेता है. Then it began to pick it way carefully along the slider stick. वो एक stick से उसको उठाता है. It came very close to his finger. वो उसकी finger के काफ़ी close आ जाता है. It would have climbed on to him. वो उसके ऊपर चढ़ने लगता है. Then actually if he had not let go his finger at the moment and held the stick by the other end, the ant suddenly faced an abyss. फिर उसके बाद में क्या होता है, वो उसको देखने लगता है. फेस्ड मतलब उसको स्टिक के थ्रू उसके देख लड़के की तरफ वो देखने लगता है. एबिस एबिस अ वेरी वेरी डीप होल. देन उसको एक वेरी वेरी डीप होल दिखता है उसके फेस की तरफ. देन देन इट टर्न्ड राउंड एंड स्टार्टेड वॉकिंग बैक टूवर्ड्स गोपाल फिंगर. फिर वो दोबारा से उसकी फिंगर की तरफ गोपाल की फिंगर की तरफ चलने लगता है. बट गोपाल रिपीटेडली ट्रिक. फिर वो उसी ट्रिक को दोबारा दोबारा अपनाता है. शिफ्टेड हिज फिंगर इन टाइम टू द अदर एंड. वो दोबारा से वही चीज़ दोबारा दोहराता है ऑफ द स्टिक. देन ही लाइक्ड दिस गेम. उसको वो गेम काफ़ी पसंद आता है. एंड इट वेंट ऑन. वो काफ़ी देर तक चलता रहता है. इन वेयरिंगली फॉर द लॉन्ग टाइम. काफ़ी टाइम लॉन्ग टाइम तक. देन इट्स देन सडनली ही हर्ड अ बेयर ऑफ ट्रम्पेट्स एंड द बैंड स्ट्राइकिंग अप. गॉड सेव द किंग. गॉड सेव द. उसने क्या होता है, एक ट्रम्पेट्स मतलब एक बाजे वगैरह की आवाज़ सुनता है वो वहाँ से. देन वो क्या देखता है, वहाँ पर आवाज़ आती है और स्ट्राइकिंग अप. स्ट्राइकिंग अप क्या बोलते हैं वहाँ पर, गॉड सेव द किंग. देन देयर वॉज अ लॉट ऑफ रश बसल अराउंड हिम. वहाँ पर काफ़ी सारा रश होता है, बहुत सारी भीड़ होती है ना, बसल अराउंड हिम, बहुत सारी भीड़ होती है. देन ही टर्न्ड हिज अटेंशन फ्रॉम द आंट. वो उसकी अटेंशन आंट की तरफ से हट जाता है टू हिज फ्रेंड्स. वो अपने फ्रेंड्स की तरफ देखने लगता है. दे वेंट ऑलरेडी एट द एज ऑफ द फुटपाथ स्टैंडिंग इन द लाइन. वो वहाँ पर देखता है कहाँ पर, जहाँ पर उसके फ्रेंड्स वहाँ पर खड़े होते हैं फुटपाथ की साइड स्टैंडिंग इन द लाइन. लाइन के अंदर ही वॉज अबाउट टू ड्रॉप द ट्विंग. वो उसको मतलब नीचे गिराने ही वाला होता है. एंड ऑल एंड रीजॉइन हिज फ्रेंड्स. वो उसको गिरा के दे अपने फ्रेंड्स को ज्वाइन रीजॉइन दोबारा से ज्वाइन करता है. देन वेन ही डिस्कवर्ड टू हिज हॉरर दैट एन आंट with ought to have been somewhere near his finger and now where to be seen, he shivered. वो थोड़ी देर में देखता है कि उसकी फिंगर की तरफ उसका वो मतलब जो एंट है वो नहीं दिखती है. ही शिवर्ड विद अ फ्रीएट एट द टफ दैट ही कुड क्लाइम ओवर हिज फिंगर एंड गॉट लॉस्ट इन हिज स्लीव्स. उसकी स्लीव्स पर वो खो जाता है, पता नहीं उसको, पता नहीं दिखता नहीं है. देन ही फ्रेंटिकली. फ्रेंटिकली मीन्स एक्साइटेडली लुकड फॉर ऑल ओवर हिज कोट. वो पूरे कोट की तरफ देखता है. ऑन द ग्राउंड जमीन पर देखता है. इट हैड कम्प्लीटली वैनिश्ड. वो वहाँ से नहीं दिखता उसे. देन गायब हो चुका होता है. देन विद एन अनईजी फीलिंग ही ज्वाइंड द ग्रुप. बहुत मतलब अजीब सी फीलिंग के साथ वो अपने ग्रुप को ज्वाइन करता है. बट हिज एक्सीलेंसी द विक्सरी ऑफ इंडिया हैड ऑलरेडी गॉन. वो वहाँ से जा चुके होते हैं. देन द गैदरिंग डिसअपेयर्ड रैपिडली. आई सॉ हिम सो क्लोज. मैं वहाँ से उनको काफ़ी क्लोजली देख पाता हूँ. देन अनाउंस्ड वन ऑफ हिज फ्रेंड. आई लाइक द हॉर्सेज. उसके एक दो फ्रेंड्स में से उसकी आवाज़ आती है. दैट आई लाइक द हॉर्सेज सेड अनदर. एक ने बोला. देन He is no doubt a man with a great personality. Gopal heard the drill master remark. वो अपने जो drill master होते हैं उनकी आवाज़ सुनता है. Then that he says that he is no doubt a man with a great personality. बहुत अच्छी personality के साथ है. At home his mother asked as she removed his coat. फिर वो अपनी मम्मी से बोलता है जाकर
घर पर दैट रिमूव हिज कोट टू फोल्ड इट एंड पुट इट बैक इन टू द वुडन बॉक्स. वो कहता है कि इसको दोबारा से वहीं बक्से में रख दो. दैन डिड यू हैव अ नाइस टाइम, उसकी मम्मी पूछती है. दैन ही सेज यस. डिड यू नो, डिड यू हैव अ गुड लुक एट द विजरी? ही सेड नो. वाई? आई वॉज बिजी, ही रिप्लाइड. सो दिस वॉज द स्टोरी. These are your exercises. Number A, that is the multiple choice question. First, the visiri would escape in the sedan car to the hills. Then, second one, as a big black ant initially crawled up towards Gopal, he jumped about as if he had stepped on the life pole. Then, Gopal received the visiri warm-hearted. False. Then, why were children present to each either side of excellent tree root then to cheer and welcome him? Kyun aate hain? To cheer and welcome him. Then fifth one is Gopal felt a ticklish sensation on the his left leg. Question answers the student. Answer number first is Gopal proudly strode to the school because he was dressed up nicely and was excited to go out to the school. वो काफ़ी अच्छे से ड्रेस अप हुआ था और वो कहाँ जा रहा था? To the school on the great occasion. Great occasion को join करने के लिए. Then the circular. Second answer is the circulars were sent to the schools in advance because the visiri of India was passing through the town. वो छोटे town से निकल कर जा रहे थे. Then therefore the authorities could welcome him approximately. The school children were also instructed to dress up nicely on the great occasion. School children को क्या instruction दिए गए थे? That they have to well dressed. Then the headmaster and the teachers were nervous because they were afraid of the fact if the anything might get wrong. वहाँ पर teachers और headmaster थे, वो काफ़ी afraid क्यों, nervous क्यों feel कर रहे थे ताकि कहीं कुछ गलत ना हो जाए. Then the Gopal schoolmaster, number fourth is Gopal schoolmaster waited and dropped on the floor because they were waiting for the long time. काफ़ी टाइम long time से वो wait कर रहे थे to welcome his visiri, but there was a delay on his arrival. क्योंकि delay हो गया था उसके आने जाने का, जो जाने का टाइम था. देन गोपाल वॉज फैसिनेटेड विद द एंड ही पुश्ड इट अवे मैनी टाइम्स. वो क्या था, वो काफ़ी टाइम से डिले कर रहा था विद द स्मॉल ट्विंग. वो वहाँ पर क्या था, उसको धक्का मारता है, उसको जो एंट होती है वो उसको धक्का मारता है विद द स्मॉल ट्विंग लाइक दिस, बट इट कम अगेन. वो दोबारा से उसकी फिंगर पर चढ़ाता है टू हिज फिंगर. ही ट्राइड मैनी ट्रिक्स टू गेट रिड ऑफ इट, बट वो फाइनली बाद में एंट डिसअपेयर हो जाता है. ठीक है, सो दीज आर योर क्वेश्चन आंसर्स स्टूडेंट्स.